सिवनी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। हालांकि भूकंप से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सिवनी में 3 माह से चल रहा कंपन का सिलसिला बारिश रुकने के बाद भी नहीं थमा है। भोपाल मौसम विभाग के वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि सिवनी में 3.3 रिएक्टर तीव्रता से भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप का केंद्र 15 किलोमीटर गहराई में स्थित था। बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर को सुबह 3 से 4 बार लोगों ने जोरदार झटके महसूस किए, जिससे शहरवासियों में खौफ बन गया है। झटकों का असर इतना अधिक था कि गहरी नींद में सो रहे लोगों की नींद भी टूट गई थी। तेज आवाज के साथ सुबह 3:53 पर पहली बार लोगों को धरती हिलने का एहसास हुआ। इसके बाद कई बार धरती हिलने से लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। उधर लोगों का कहना है कि शहर में बढ़ते भूकंप के झटकों का कारण पता लगाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। जब कोई सहारा देने का ढोंग करे और वक्त आने पर अंगूठा दिखा दे, आस टूट सी जाती है, जीवन रुक सा जाता है। बेरोजगारी भत्ते के झांसे ने तो बच्चों को काम ढूंढने लायक भी नहीं छोड़ा। वो कैसी सोच थी जिसने बेरोजगारों की उम्मीदें तक छीन ली। बेरोजगार को भत्ते का लालच देकर छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। इस साल जहां एक ओर प्रदेश में बम्पर फसल हुई, वहीं दूसरी ओर देश में लॉकडाउन लग गया, पर फिर भी प्रदेश का किसान संतुष्ट है। और वो केवल इसलिए कि अब शिवराज सरकार है। कोई और सरकार होती तो अब तक खलिहानों में पड़ा गेहूं सड़ गया होता। पर शिवराज मामा ने कहा था, एक एक दाना गेहूं सरकार खरीदेगी। इस बार हमारे मध्य प्रदेश ने पूरे देश में गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाया है और मेरे खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि भी आ चुकी है। अरे किशन भैया, कहाँ चल दिए बंठन के? बिटिया का लगन है, बाजार जा रहे हैं। कठिनाइयाँ जितनी ज्यादा बढ़ती उससे ज्यादा सरकार आगे बढ़ती। हमेशा भरोसा रहता है कि एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।